मुरादाबाद के सिविल लाइन्स स्थित महाराजा गढ़सेन इंटर कॉलेज में एक भारत श्रेष्ठ भारत शीर्षक के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश मेघालय पर जिला स्तरीय निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में मेथोडिस्ट गर्ल्स इंटर कॉलेज मुरादाबाद, प्रताप सिंह कन्या इंटर कॉलेज मुरादाबाद, महाराजा गढ़सेन इंटर कॉलेज मुरादाबाद, केजीके इंटर कॉलेज मुरादाबाद, फलाही दरायन इंटर कॉलेज मुरादाबाद के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। इस प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल के रूप में समाजसेवी सरदार गुरविंदर सिंह, दयानंद डिग्री कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर अनीता फरसवान, महाराजा गढ़सेन इंटर कॉलेज के अनूप कुमार अग्रवाल रहे। इस मौके पर समाजसेवी सरदार गुरविंदर सिंह ने कहा कि भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने में सरदार पटेल जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। भारत छोटी छोटी रियासतों के रूप में बटा हुआ था और उसे एक करने का अगर किसी ने कार्य किया तो वह उस समय के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया। साथ ही सरदार गुरविंदर सिंह द्वारा छात्रों को जीते जीते रक्तदान और जाते जाते नेत्रदान का संदेश दिया गया। इस मौके पर डॉक्टर अनीता फरसवान ने बताया कि अक्टूबर 2015 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा देकर पूरे देश को जोड़ने का प्रयास किया गया। एक दूसरे की संस्कृति और सभ्यता को जानने का अवसर देने के लिए इस प्रकार के विद्यालय में प्रतियोगिता आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि हम भारत के जिस हिस्से में रहते हैं लेकिन हम दूसरे हिस्सों से उनकी भाषा वेशभूषा से परिचित नहीं हो पाते, लेकिन एक भारत श्रेष्ठ भारत के माध्यम से हम उनकी संस्कृति सभ्यता के बारे में जान सकेंगे। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य मेजर राजीव ढल ने कहा कि सरकार का यह अच्छा कदम है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के माध्यम से विभिन्न राज्यों की संस्कृति व सभ्यता से छात्र छात्राओं को अवगत कराया जा सकेगा और वहां की संस्कृति और सभ्यता के बारे में यहां के छात्र छात्राएं जान सकेंगी। भारत विविधताओं का देश है, यहां पर विभिन्न जातियों धर्मों के लोग रहते हैं लेकिन फिर भी अनेकता में एकता का सिद्धांत यहां पर लागू है। मुरादाबाद में पूर्वोत्तर के राज्यों अरुणाचल प्रदेश मेघालय के बारे में जानकारी देने के लिए सरकार का ये एक सराहनीय कदम है। निर्णायक मंडल के सदस्य अनूप कुमार अग्रवाल ने कहा कि आज हम गूगल व किताबों के माध्यम से भारत के विभिन्न प्रदेशों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और छात्र छात्राओं को जो कि मोबाइल आदि का प्रयोग करते हैं उन्हें अपना सामान्य ज्ञान भी बढ़ाना चाहिए और दूसरे प्रदेशों की संस्कृति और सभ्यता की जानकारी रखनी चाहिए। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहु उपयोगी है। प्रतियोगिता में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने विचारों को निबंध के माध्यम से प्रस्तुत किया। इस जिला स्तरीय निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान शैलानूर प्रताप सिंह कन्या इंटर कॉलेज मुरादाबाद, द्वितीय स्थान वासु सक्सेना केजीके इंटर कॉलेज मुरादाबाद, तृतीय स्थान रिया मेथोडिस्ट गर्ल्स इंटर कॉलेज मुरादाबाद को प्राप्त हुआ। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य मेजर राजीव ढल ने निर्णायक मंडल के सदस्यों का धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया। इस मौके पर पुनीत कुमार गुप्ता, सोमलता चौहान, कुसुम चौहान, व्रति कौशिक, संगीता कुमारी, दीप्ति सिंह, प्रीति बंसल, संजय कुमार, राजीव गुप्ता, हेमंत कुमार, ओंकार सिंह, सुरेश कुमार, आदित्य कश्यप, राजपाल सिंह सहित बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित रहे। आज महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज मुरादाबाद में एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है उसके अंतर्गत अरुणाचल और मेघालय प्रदेश की जानकारी देने के लिए बच्चों को एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। यहाँ पर आज जो है वो जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस उद्देश्य ये था कि इसमें अक्टूबर 2015 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये पूरे देश भर में कि जो सरदार पटेल जी थे जिन्होंने भारत का एकीकरण किया उनकी जन्मतिथि से उन्होंने ये शुरू करा कार्यक्रम कि भारत को एक बनाने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही उस समय उन्होंने करा कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत, क्योंकि दुनिया का सबसे ज़्यादा सुंदर और हर प्रकार से माना जाए श्रेष्ठ जो भारत है उसे एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा देके इन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया और इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रदेशों के बारे में अपने प्रदेश के बच्चों को जानकारी देने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में जो ये कार्यक्रम चल रहा है इसमें मुरादाबाद महानगर को जो दिया गया है उसमें अरुणाचल प्रदेश और मेघालय की जिम्मेदारी दी गई है। तो विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे निशानेबाजी का, भोजन की, वहाँ की रहन सहन, वहाँ की वेशभूषा, वहाँ की जानकारी के बारे में अनेक प्रकार के विषय को लेकर कि बच्चे वहाँ की संस्कृति और सभ्यता का अरुणाचल प्रदेश की और मेघालय की संस्कृति और सभ्यता को पहचान सकें, जान सकें। वहाँ जा तो नहीं सकते लेकिन उनके बारे में ये लोग जानकारी प्राप्त कर सकें, इसलिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया।